नमस्कार, मैं अमित श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक मनोरंजक नवाचार रोल प्ले के बारे में। इस रोल प्ले के माध्यम से किस प्रकार से हम NCERT के कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ, जो कि एक नाटक है चावल की रोटियाँ, किस प्रकार से बच्चों को, विद्यार्थी को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और उसमें जो भी जानकारी है जैसे क्रिया, शब्द, शब्दावली, विशेषण, क्रिया विश्लेषण, कारक आदि को हम उस पाठ से जोड़ते हुए, उस रोल प्ले से जोड़ते हुए किस प्रकार से बच्चों को समझा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसका क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में, स्कूल में और कक्षा में जरूर करेंगे, जिसका निश्चित तौर पर फायदा आपको और आपके विद्यार्थियों को होगा, क्योंकि ये एक अभिनव नवाचार है, एक रोचक नवाचार है। ये एक रोल प्ले के माध्यम से इस पाठ को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि ये चूंकि एक नाटक है और रोल प्ले ही सबसे अनुकूल नवाचार इसके लिए है। क्योंकि जब बच्चा उस चीज़ को पढ़ता है, उस चीज़ को समझता है और उस चीज़ के डायलॉग बोलता है, संवाद बोलता है, तो उस कैरेक्टर को, उस पात्र को वो अपने आप में आत्मसात कर लेता है। इसका मुख्य पात्र है कोको। कोको और उसके 3 दोस्त और एक दुकानदार। तो जब हम ये क्रियाकलाप कराते हैं तो बच्चों को रोल प्ले कराते हैं, तो किसी को कोको बनाते हैं, किसी को उसके मित्र बनाते हैं और किसी को वो दुकानदार बनाते हैं। तो जब बच्चा वो करता है तो उस चीज़ को, उस पाथ को वो जीता है, और जब जीता है तो उसको पाठ आसानी से समझ में आता है। इसमें 3 कड़ियाँ हैं जब आप इसको प्रयोग करें। तो सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो पहले बच्चों से पूछते हैं, बच्चों क्या आपने कभी कोई एक्टिंग की है, क्या आपने कभी कोई अभिनय किया है, क्या आपने कभी कोई मिमिक्री करते हैं। और फिर उसके बाद बच्चों को हम कॉन्फिडेंस में लेके बोलते हैं कि चलिए हम एक खेल खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं। इस खेल में, इस गेम में हम 2 समूह बनाते हैं और एक समूह को हम एक पुस्तक है वो छुपाने का कार्य देते हैं और दूसरे समूह को हम उस पुस्तक को ढूंढने का काम देते हैं, और दोनों समूह को एक निर्धारित समय सीमा दी जाती है, और जो अपनी निर्धारित समय सीमा में जो समूह उस पुस्तक को ढूंढ के लाता है या छुपा देता है अच्छे से, वो जीत जाता है। अब जब हम इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, और उनसे पूछते हैं किस प्रकार से उन्होंने पुस्तक को छुपाया और वो पुस्तक छुपाते समय उनको क्या क्या समस्याएं आई, और उसी से जोड़ते हुए, उसी तारतम्य को लेते हुए हम पाठ को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से कोको अपनी चावल की रोटियां अपने मित्रों से छुपाता है और छुपाने के संदर्भ में उसको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। जब इस प्रकार से हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो फिर कुछ बच्चों को वो पात्र बना देते हैं और पात्र उनके संवाद उनको याद कराए जाते हैं, समझाए जाते हैं और उनको जीने के लिए बोला जाता है। तो जब बच्चा वो संवाद बोलता है, उस पात्र को जीता है, तो उसको पाठ आसानी से समझ में आ जाता है, वो जीवन के लिए उसको समझ में आ जाता है। उसमें जितने भी जो चीज़ें, जब पाठ पढ़ाया जा रहा है, जब संवाद किया जा रहा है, जब रोल प्ले किया जा रहा है, तो उसमें आने वाली क्रिया, विश्लेषण, विशेषण, नए शब्द, शब्दावली, कारक, टीचर, जो शिक्षक हैं, वो अच्छे प्रकार से समझाते हैं बच्चों को, और उसी उतने ही अच्छे प्रकार से बच्चे उसको डेवलप भी करते हैं और बोलते भी हैं। तो जब हम ये एक्टिविटीज़, सबसे पहले गेम खिलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनसे अभिनय करना है, और वो रोल प्ले करवाते हैं, तो बच्चों को पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। ना कि सिर्फ पाठ की विषय वस्तु समझ में आती है, उसमें जो व्याकरण है वो समझ में आती है, बल्कि जब वो संवाद बोलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी बहुत आता है, जो उनके जीवन में आगे बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है और होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने यदि अभी तक ZIIEI का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो ZIIEI का Facebook पेज जरूर लाइक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है जो इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक है, उसको आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं और
उसके बाद इसी प्रकार के दिलचस्प नवाचार आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, जिसको आप अपने स्कूल में कक्षा में क्रियान्वयन जरूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।